वेलकम बैक टू माई चैनल गाइज एंड दिस इज नीलाक्षा. सो बेसिकली दिस इज नॉट अ यूजुअल वीडियो. जैसे कि मैं स्टाइलिंग वीडियोज बनाती हूँ, एक पीस को दूसरे पीस के साथ मिक्स एंड मैच करके या फिर यू नो स्टाइलिंग इन डिफरेंट वेज. दिस इज अ वीडियो इन विच आई विल बी शेयरिंग फ्यू टिप्स एंड ट्रिक्स, जिन चीज़ों को आप अपने पर्सनल स्टाइल में इंक्लूड करके या यू नो उन चीज़ों को नोटिस करके इम्प्रूव कर सकते हो. बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो आई वुड रिक्वेस्ट यू, इट विल जस्ट टेक अ सेकेंड टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड दिस मेक्स मी हैप्पी एंड मोटिवेट्स मी टू पुट मोर वीडियोज. जो टिप्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ इन सब चीज़ों में कंसिस्ट करता है, फ्रॉम हेयर टू अपैरल टू मेकअप टू यू नो योर फुटवेयर, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड. क्योंकि आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी सेज अ लॉट अबाउट यू वेन यू फर्स्ट मीट समवन. जब ओके फॉर एग्जाम्पल जब हम इंटरव्यू देने जाते हैं, सो द वेरी फर्स्ट इम्प्रेशन यू गिव टू द इंटरव्यूअर इज बाय हाउ यू लुक, योर अपीयरेंस. इस चीज के लिए हम थोड़ी सी एफर्ट कर सकते हैं एंड यू नो यू कैन लुक योर बेस्ट. स्टार्टिंग विद फर्स्ट स्टेप, बहुत ही बेसिक बट इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस, कि फर्स्ट ऑफ ऑल खुद के कपड़े पहनने से पहले हमें खुद से ये समझना जरूरी है कि किस तरीके से हमें स्टाइलिंग पसंद है. इज इट मोर टूवर्ड्स वेस्टर्न, क्या हमें वेस्टर्न क्लोथ्स पसंद है, क्या हमें इंडियन स्टाइलिंग पसंद है. वेस्टर्न स्टाइलिंग एंड इंडियन स्टाइलिंग में बहुत डिफरेंस होता है. यू हैव टू मेक श्योर यू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स कि अपने बारे में हमें क्या पसंद है, हमारे ऊपर यू नो क्या चीज़ें हमें अच्छी लगती हैं. फॉलोइंग दैट आपको स्किन शो पसंद है, आपको स्किन कवर्ड पसंद है, और इन यू नो बेटर टर्म्स आए से मॉडर्न या फिर कंजर्वेटिव क्लोथिंग आपको पसंद है. सो यू हैव टू मेक श्योर यू अंडरस्टैंड कि किस तरीके की चीज़ें आपको अपने ऊपर अच्छी लगे. सेकेंड टिप, कम्फर्ट. कम्फर्ट कम्स एट प्रेजेंट, कम्फर्ट कम्स ऑन टॉप फॉर मी. इफ आई एम नॉट कम्फर्टेबल इन एनी पीस ऑफ क्लोथ दैट आई विल नॉट वेयर इट आउटसाइड. बेसिकली देर हैव बिन टाइम जब मैंने ऐसी कुछ चीज़ें या फिर ऐसे कपड़े पहने हैं जिनमें मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, बट दे आर लुकिंग स्टाइलिश एंड दे आर लुकिंग गुड ऑन मी, बट सारा दिन उसमें अनकम्फर्टेबली बैठना इट्स सो पेनफुल. टिप नंबर थ्री इज नोइंग कलर स्कीम्स. कुछ होते हैं लोग बहुत ज़्यादा अपनी कलर स्कीम मेंटेन करते हैं, सो ये थोड़ा मेरी तरफ पॉइंट आउट कर रहा है बिकॉज आई लव ब्लैक कलर एंड मैं हफ्ते के सातों दिन ब्लैक पहन सकती हूँ. बट ओके, कीपिंग माई ओन ओपिनियन असाइड, आप लोग भी कोई ना कोई ऐसे पर्टिकुलर कलर होगा जो आपको बहुत पसंद होगा और उसके बहुत सारे कपड़े आपके पास वार्डरोब में अवेलेबल होंगे. मेरे टॉप प्रेफरेंस होता है ब्लैक एंड देन ब्राउन, ग्रेज एंड न्यूड्स. सो दीज आर बेसिक कलर्स आई वुड से जो हमारे वार्डरोब में अवेलेबल होता है. सो नो दैट मैं कलरफुल कपड़े बहुत कम पहनना पसंद करती हूँ. सो मेरे बेसिक टोन्स कलर कपड़ों के ये होते हैं. फोर्थ टिप इज अबाउट नोइंग योर बॉडी शेप. आपकी बॉडी शेप क्या है, यू नो इज इट ट्राइंगल, इज इट आर ग्लास, इज इट पियर शेप बॉडी. सो बहुत सारे लोग होते हैं जिनको ये एक्चुअली नहीं पता होता कि उनकी बॉडी शेप में किस तरीके के कपड़े सूट करेंगे. सो जैसे टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, मेरी नेचुरल बॉडी शेप जो है वो है आर ग्लास, बट राइट नाउ आई एम ऑन द हेवियर साइड, अ लिटिल बिट हेल्दियर साइड. मैं पसंद करती हूँ थोड़े लूज क्लोथ्स, बट नॉट दैट एवरीथिंग शुड बी लूज. इधर आई गो फॉर द लूज बॉटम और आई गो फॉर द लूज टॉप, बट वन हैज टू स्टे टाइट सो दैट इट बैलेंसेज आउट. एवरीथिंग हैज टू बी इन बैलेंस. अगर दोनों लूज द बॉटम एंड टॉप, अगर आप दोनों लूज पहनोगे तो इट विल नॉट लुक गुड, रादर ये आपकी पर्सनैलिटी को और डल कर देगा. द राइट अमाउंट ऑफ एक्सेसरीज दैट यू वुड वॉन्ट टू गो फॉर. अब सेम ड्रेस में मैं राइट नाउ आई एम वेयरिंग दिस स्मॉल पेंडेंट, लीफ पेंडेंट, बट आई हैव द ऑप्शन टू ऑप्ट फॉर अ हैवी मल्टी लेयर्ड नेक पीस, और आई कैन गो फॉर चोकर एज वेल, बट डिपेंड्स ऑन वॉट ओकेजन एंड वॉट वेयर यू आर गोइंग. सो आप इस चीज पे भी काम कर सकते हो. इफ यू आर कीपिंग इट मिनिमल, कीप इट मिनिमल बट वेयर अ वेरी यू नो आई कैची एक्सेसरी. राइट नाउ लाइक आई एम जस्ट वेयरिंग माई वॉच एंड देन स्मॉल लीफ पेंडेंट, बट आई कैन गो फॉर माई गोल्डन वॉच, गोल्डन नेक पीस and blue heels because it has this dress has a floral print on it. Number 6 is makeup. It plays an important role
when it comes to you know your overall personality. पहले मैं इतना ज़्यादा makeup prefer नहीं करती थी, but now it's recommended when you go out, at least apply sunscreen on your skin. Bare skin बाहर जाना is very harmful for your skin if you you know actually read about it. तो minimum आप कम से कम lactocalamine according to your skin texture कि आपका किस तरीके का skin है. Is it oily? Is it combined? Is it dry skin? So going with that, you have to make sure that you apply at least a little bit of sunscreen or BB cream or a lip balm, a little bit of makeup. Know that well, know your face well enough कि आपके face का कौन सा ऐसा feature है जो आप highlight करना पसंद करते हो या फिर किस feature पे आपके makeup ज़्यादा अच्छा लगता है. जैसे कुछ लोगों की आईज बहुत डिफाइन करके अच्छी लगती है, कुछ लोगों के सिर्फ सिंपल आप लिपस्टिक लगा दो दैट लुक्स गुड. कीप दैट इन माइंड, नो योर फेस वेल इनफ एंड इट डज द जॉब. टिप नंबर 7 इज योर हेयर. मेंटेनिंग देम नेचुरली वुड यू नो गिव देम अ नेचुरल शाइन. ज्यादा कुछ एफर्ट करने की जरूरत नहीं होती है. अगर आप नॉर्मल आप अपने बालों में ऑयलिंग कर रहे हो, टेकिंग स्पाज, या फिर आप यू नो आप प्रोटीन वाला खाना अगर आप खा रहे हो, सो उन सब चीज़ों की वजह से आपके बालों पे बहुत फर्क पड़ता है. सो मेक श्योर आप नेचुरली केयर कर लो. अगर आप कुछ बहुत ज़्यादा हेयर स्टाइल्स या फिर यू नो कलाकारी नहीं कर सकते हो, सो गो फॉर इट. टिप नंबर 8 एंड लास्ट टिप इज अबाउट फुटवेयर. गो फॉर द कम्फर्ट फर्स्ट. जैसे कपड़े होते हैं वैसे ही आपको फुटवेयर सेलेक्ट करने होते हैं. कम्फर्ट पहले देखो, स्टाइलिश बाद में देखो. आप हील्स पहन रहे हो, गो फॉर द ब्लॉक हील्स. आप अगर ओकेजनली पहन रहे हो जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा चलना नहीं है, यू कैन गो फॉर पेंसिल हील्स. ये मिस्टेक मेरी पर्सनल मिस्टेक है, सो दैट इज व्हाई आई एम इंक्लूडिंग दिस पॉइंट. सो आप क्वालिटी मेंटेन करो क्वांटिटी से ज़्यादा. आप हर चीज़ में क्वालिटी मेंटेन करो, विच आई हैव लर्न ओवर द टाइम कि आप चाहे एक ही चीज़ ले रहे हो लेकिन क्वालिटी की लो. थोड़ा प्राइस रेंज ज़्यादा चाहेगा बट आप एक अच्छा इन्वेस्ट कर रहे हो. कंसिडर इट एज एन इन्वेस्टमेंट. So this is it for you know this video. I hope these tips helps you in checking out what goes with mine and am I focusing on these things or not in my styling. Hope this helps you. And agar achhi lagi ho to please like and subscribe zarur karna because thodi motivation milti hai. Make sure you follow me on Instagram kyunki main wahan par thoda zyada active hu. You can this is how it looks like. So until we meet next time, bye-bye and stay safe.